ओके इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ कार यूजेस 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 340 किलोमीटर्स. यहाँ पर पेट्रोल दिया हुआ है, ठीक है, एंड डिस्टेंस दिया है. पेट्रोल दिया है इन लीटर्स, पेट्रोल दिया है इन लीटर्स एंड डिस्टेंस दिया है इन किलोमीटर्स. ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कवर करता है 340 किलोमीटर्स का डिस्टेंस. ठीक है, 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से 340 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है. हाउ फार कैन इट ट्रेवल इफ इट हैज ओनली 32 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. अगर उसमें सिर्फ 32 लीटर्स का पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. देखिए, ज़्यादा पेट्रोल होगा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कम पेट्रोल होगा कम डिस्टेंस कवर करेगी. तो इसका मतलब है कि आप एक चीज़ को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन में हमने कहा था दोनों का डायरेक्ट रेशो लेंगे, 40/32 एंड 340/x. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इसका. x मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 32. x की वैल्यू निकालेंगे, 340 मल्टीप्लाइड बाय 32 होल अपॉन 40. जीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं, 4 × 4, 4 × 8 = 32. और अब 34 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 272 किलोमीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 32 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. अगर 32 लीटर पेट्रोल होगा तो उसमें हम 272 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर पाएंगे. ठीक है, अभी करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए अपना बॉक्स फिलअप करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. अ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ मास ऑफ 374 ग्राम्स. यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ वायर दी है, लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर दी है इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, लेंथ ऑफ वायर दी है इन सेंटीमीटर. और उसके बाद उसका मास दिया है इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स. ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर की वायर है जिसपे 374 ग्राम्स उसका मास है. व्हाट इज द मास ऑफ 13 सेंटीमीटर ऑफ वायर. देखिए, वायर की लेंथ कम कर दीजिए तो उसका वेट भी कम हो जाएगा. ठीक है, जितनी लेंथ उसकी कम होगी वायर की उतना ही उसका मास भी कम होगा. मतलब एक चीज़ डिक्रीज करिए दूसरी चीज़ अपने आप डिक्रीज हो जाएगी. अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, 22/13 इज इक्वल टू 374/x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो x मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल टू 374 मल्टीप्लाइड बाय 13. ठीक है, x इज इक्वल टू 374 मल्टीप्लाइड बाय 13 होल अपॉन 22. चलिए इसे जो है कर लेते हैं कैंसिल,
11 2 ज़ा 22 11 3 ज़ा 33 11 4 ज़ा 44 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब आपको जो है इसका ग्राम्स में मास देना है, तो 17 × 17 × 13। ठीक है, आपको 17 × 13 करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? टू हंड्रेड ट्वेंटी वन ग्राम्स। यानी कि अगर आपने 22 सेंटीमीटर से उसकी लेंथ कम कर दी है, उसकी लेंथ आपने कम कर दी है 13 सेंटीमीटर तक, तो उसका मास भी कम हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज 221 ग्राम्स। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ मशीन स्टैम्प 720 एनवलप्स इन 2 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है नंबर ऑफ एनवलप्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एनवलप्स सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एनवलप्स हैं और टाइम दिया है आपको इन मिनट्स। ठीक है, तो ये है आपका 2 मिनट्स। ये है आपका 2 मिनट्स, राइट। हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी स्टैम्प्ड इन 40 सेकेंड्स। अब आपको टाइम क्या दिया हुआ है 40 सेकेंड्स का। चलिए ठीक है, इसमें आपको टाइम दिया है, नंबर ऑफ एनवलप्स हैं 720 और इनको स्टैम्प करने में 2 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी स्टैम्प्ड इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स, देखिए यहाँ सेकेंड्स दिया हुआ है, यहाँ मिनट्स दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, मिनट्स को चेंज करके सेकेंड्स में कर देते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। 2 मिनट्स इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी क्योंकि 720 एनवलप्स को स्टैम्प करने में अगर 2 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर टाइम कम है तो एनवलप्स भी कम ही स्टैम्प होंगे। ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। होल अपॉन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाइड बाय 40 और एक्स इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाइड बाय 40 होल अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल करें, 12 1 12 12 6 72। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6 × 40 यानी 240 एनवलप्स। ठीक है, 240 एनवलप्स स्टैम्प होंगे इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ एनवलप स्टैम्प इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से।